वेलकम गाइस, आपके अपने प्राणी जगत में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि एक महीने के बच्चों में कितनी ग्रोथ हुई है। ये 30 दिन के चूजे गाइस, देखते हैं इनमें कितनी ग्रोथ हुई है। अब हमें साफ पता चलता है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी। आप देख सकते हो जो बड़े हैं वह दोनों मेल है और जो छोटे हैं वह 8 फीमेल है। ये मैंने बिठाने के समय ही तय कर लिया था कि 2 मेल और 8 फीमेल चाहिए। ये टेक्निक मैं आपको जल्द ही आने वाली वीडियो में शेयर करूँगा, जिससे आप भी अंडा देखकर पता लगा पाओगे कि निकलने वाला मेल है या फीमेल है। देखिए गाइस, इन सभी बच्चों में से कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं है, सभी हेल्दी है और सभी एक्टिव है। इस तरह से इनकी ग्रोथ हुई है गाइस। ये देखिए गाइस, ये एक मेल है, ठीक है, ये देखिए 30 दिनों का मेल, अभी पहचान में आता है कि ये मुर्गा है, ठीक है। दूसरा देखते हो, ये देखिए गाइस, ये दूसरा मेल है, ब्लैक कलर वाला, पहले भी वीडियो में दिखाया है गाइस इसको। ये दोनों मेल है और बाकी सब फीमेल है। फीमेल की भी ग्रोथ अच्छी हुई है मेल के साथ में, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये देखिए गाइस, दोनों फीमेल, इनका कलर देखिए गाइस। बहुत ही बेहतरीन कलर है गाइस, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और ये वजन में भी अच्छे है, वेटेड है बच्चे सभी। अभी इनके बचने के चांस ज़्यादा है, मरने के चांस कम है। और गाइस, अभी इनको यहाँ से आगे से इनको दाना ज़्यादा देना है, और जो एग्स वगैरह बॉईल करके देते थे वो चीज़ अभी कम कर देना है। इनको अनाज ज़्यादा खिलाओ, इनको अनाज की आदत लगनी चाहिए, ठीक है गाइस। अनाज से क्या होगा, इनका वेट अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो बिना कोई संकोच के कमेंट में पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है गाइस। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।
आप ये देख सकते हो गाइस, ये 30 दिनों के बच्चे हैं। तो 30 दिनों में मुर्गी के 30% आ चुके हैं ये। इस हिसाब से तो करीबन 100 दिनों में, यानी 3 साढ़े 3 महीने में ये मुर्गी के बराबर हो जाएंगे। बस इसको डाइट का ख्याल रखना है, अच्छे से डाइट देना है। और गाइस, मुझे एक मित्र ने पूछा था कि इसके जो पर हमने काटे थे वो फिर से आते हैं क्या। बिल्कुल आते हैं गाइस, आप देख सकते हो अभी 30 दिन हो चुके हैं और इनके पर देखिए अच्छी तरह से आ चुके हैं। ये जो काटे थे पर वही आ चुके हैं, देखो। अगर आप चाहो तो फिर से भी काट सकते हो जिससे ग्रोथ और अच्छी हो जाए, या ऐसे भी रख सकते हो। अभी यहाँ से कैसा है, इनमें का बच्चा कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा और मरेगा भी नहीं। अब इनको कोई कमजोरी तो दिख नहीं रही है। अगर एक आध बच्चा कमज़ोर होता है तो सबसे पहले उसके पर काट देना और उसको थोड़ा अलग कर देना। 2-3 दिन में रिकवर हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। अभी इसमें तो कोई भी बीमार नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, सब हेल्दी है। ये देखिए फीमेल, इसकी दुम देखो पूरी आ गई, काटी थी हमने। इसके पर देखिए, फीमेल के पर बहुत जल्दी आते हैं। देखिए गाइज, आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह के वीडियो और बनाते रहूँगा गाइज। देखिए गाइज, अच्छी तरह से पर आ रहे हैं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक्स गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।